भी ट्रेनिंग पे बोलते थे गुड मॉर्निंग सर। चलो थोड़ा तो आया, ठीक है, चलो खाना खा के आना। फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो चैप्टर है आज, जो है मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, एक ही के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में अंदर तक उसके बारे में जो है बात करेंगे आज। लिख देता हूँ मैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब हम वाटर टाइप की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट क्लास में पिछली बार, सबसे पहले यही फायर का सिलेंडर जो अगर हम बात करें, सबसे पहले वाटर टाइप ही बनाए गए थे। और वैसे भी अगर हम देखें प्राकृतिक तौर पे भी, तो पानी ही एक सबसे ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाला साधन है। पानी ही एक ऐसा साधन है जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, या बहुत ही सस्ता हो सकता है, हर जगह मौजूद हो सकता है और सबसे ज़्यादा गर्मी को सोखता है, टेम्परेचर को डाउन करता है, आग बुझाने में कारगर साबित होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पानी कहीं भी मिल जाता है, तालाब में मिलेगा, नदी में मिलेगा, जोड़ में मिल जाएगा, या कोई पंप मिल जाएगा, ट्यूबवेल मिल जाएगा, नाला मिल जाएगा, पानी कहीं ना कहीं अपने को मिल ही जाएगा, कहीं भी मिले आग बुझाने के लिए। बाकी चीज़ें तो फिर भी अरेंज करनी पड़ती हैं, स्पेशल बनानी होती है, पानी तो बना बनाया कहीं से भी मिलेगा। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, इसमें भी बेटा दो प्रकार के, इसमें भी दो प्रकार के, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। अब हमने सिर्फ चार ही लिखे थे ना, वाटर टाइप, फोग टाइप, हाँ फोम टाइप हो गया, CO2 गैस टाइप और DCP ड्राई केमिकल पाउडर जो हैं पाउडर टाइप हो गए चार। और उसके बाद हेलोन मिथेन और कुछ एक आते हैं, उनको अलग से बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। जो मेन हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं और जो हर जगह मौजूद मिलते हैं हम उनकी बातें करेंगे। वाटर टाइप एक ही नाम था लेकिन उसके अंदर भी दो निकल के आए, दो प्रकार के इसके अंदर भी। अभी फिलहाल एक ही प्रकार का चलता है लेकिन शुरुआत में जब बनाया था तब जो था वो भी पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है हम लोग सीधा छठी क्लास में प्रवेश ले लें और सीधा इंग्लिश के चैप्टर पढ़ने लगे हैं। पहले ABCD तो पता करना पड़ेगा ना हमें कि ABCD कैसे सीखते हैं, ठीक है, ABCD से चालू करना है बिल्कुल। तो जो सबसे पहले था वो आता था सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अभी जो चल रहे हैं नॉर्मल जो हैं वो आने लगे CO2 कार्ड राइड में खाली सी यही स्पेलिंग होती है ना, CARTRIDG कार्टेज टाइप। ये जो लिखा है ना इसको बोलते हैं, इसके अंदर CO2 गैस होती है। और जैसे अपने घर के सिलेंडर होते हैं खाली होने के बाद खाली दे आते हैं और भरा हुआ ले आते हैं, ये वैसे ही होता है। एक बार इसको चालू कर दिया खाली हो गया तो सिलेंडर से निकाल के चूड़ियाँ खोल के इसकी ऐसे थ्रेड खोल के और इसको वापस दे देते हैं और दूसरा भरा हुआ उठा लेते हैं, ऐसे ही चलता है ये। तो इसी को बोलते हैं कार्टेज, अब तो समझ गए। तो ये दो प्रकार के, अभी सोडा एसिड तो नहीं मिलेगा कहीं पे, जमाना बदल गया, टाइम बदल गया, समय कम है हमारे पास, हम कम से कम जगह में, कम से कम समय में, कम से कम स्थान पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, है ना, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करना चाहते हैं। इसलिए पुराने टाइप की मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बजाय नए टाइप की गाड़ियाँ आ गई जो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा आराम से चले जाती हैं। समय बदल गया ना, तो सोडा एसिड का मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, जुगाड़बाजी से काम चलता था तो उसको छोड़ दिया, पुराना हो गया, CO2 कार्टेज टाइप हो गए। और मेरे ख्याल से अभी CO2 कार्टेज टाइप के बजाय भी एक और आ गया है, अभी लेटेस्ट जो चलता है 3 नंबर, वो होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप।
अब एक वाटर टाइप में भी तीन हो गए। अब एक एक करके बात करते हैं सभी की। सोडा एसिड टाइप में दो चीजें मिलाते थे, क्योंकि देखो हम सबसे पहले मिलाने की बात में करेंगे। नॉर्मली अगर हम सिलेंडर की बात करें, कोई भी जैसे सिलेंडर है, खाली है, तो इसके अंदर पानी है कि पाउडर है कि जो कुछ भी है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई ताकत तो चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो धक्का मार के उसके अंदर जो सामान पड़ा है उसको पूरे प्रेशर के साथ पाइप से बाहर निकाल सके। क्योंकि जब तक प्रेशर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, वो आग पे नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे डब्बा भर के और मैं आग के पास जाकर ऐसे उंडेल दूंगा, फिर तो आग बुझेगी नहीं। आग बुझाना क्या, उससे सेफ भी रहे हम, काफ़ी डिस्टेंस से एक जो है गैप लेके हम उसको बुझा सकें, ऐसा कोई यंत्र है तो वो एक्सटिंग्विशर है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ तो जब शुरू में बनाया उन्होंने, कुछ तो ऐसा करना था कि इसके अंदर जो पानी या कोई भी हमने जो चीज़ डाली हुई है वो प्रेशर बने और प्रेशर के साथ उसे बाहर निकले और एकदम बारिश की तरह पानी जो है ना आग पे गिरे तो उसको बुझा पाए। तो उस समय ऐसा कुछ ज़्यादा कार्टेज वार्टेज का सिस्टम नहीं था, तो इंजीनियर तो कुछ ना कुछ, साइंटिस्ट तो हमारे कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही देते हैं। उन्होंने ना केमिकल का रिएक्शन बना दिया, दो केमिकल्स का। सोडा का फुल फॉर्म साइंटिफिक नाम क्या होता है, क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? साइंस जिसे थोड़ी बहुत दसवीं तक तो सबने पढ़ी है, घने मना मत करना कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ी, दसवीं में सब क्या होती है, अगर कोई बोलेगा नहीं पढ़ी तो पिटेगा। सोडा जो होता है इसका होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। आप समझ गए, शॉर्टकट में सोडा बोलते हैं। अरे वो बाद में बोला, पहले पढ़ाने दो, आप साइंटिस्ट मत बनो। एसिड का आपको बताता हूँ मैं, एसिड तो एसिड सभी जानते हैं, देखो तेजाब तेजाब ही होता है, और ये वाला तेजाब जो है गंधक का तेजाब है। कौन सा है? गंधक का तेजाब, सुना है? इसको इंग्लिश में सल्फ्यूरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ये वाला। अब इन दोनों का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे CO2 गैस पैदा होती है। देखो पैदा तो गैस ही करनी थी, उन्होंने पैदा गैस को ही करना था, क्योंकि उस टाइम पे गैस के सिलेंडर नहीं बने थे पहले। और गैस के सिलेंडर जब बने भी होते तो शुरू में वो चीज़ बहुत महंगी पड़ती है जब कोई चीज़ नहीं आती है। तो ये जुगाड़ बनाया हुआ था कि भाई ऐसा करेंगे, सोडा जो है पानी के अंदर, देखो 5 किलो का अगर हमारा एक सिलेंडर बनता है तो उसमें 4.5 किलो तो पानी रहेगा ही ना, तो क्या करते थे उस पानी के अंदर तो मिला देते थे सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट पानी के अंदर ही मिक्स करके और उसमें छोड़ देते थे। फिर उसके बाद सिलेंडर में यहाँ पे बिल्कुल इसके कैप के नीचे एक जाली होती थी, पतली सी जाली। मैं आपको बताऊँ तो कैसी, वो जैसे बाजारों में कभी गैस वाले बल्ब जलते हुए देखे तुमने, सब्जी मंडी वगैरह रात को कहीं लगती है तो छोटा सा गैस का सिलेंडर होता है, उस पर बल्ब सा जल रहा होता है, बल्ब सा जल, जाली ही होती है ना, वैसी पतली एक जाली उसके अंदर लगी होती है। उस जाली के अंदर अपना 100 वाट का बल्ब जैसा शीशे का, पतले शीशे का एक बल्ब होता है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता था। क्या होता था? एसिड, तेजाब भरा होता था, गंधक का तेजाब उसके अंदर भरा होता था। वो बल्ब में इसलिए रखते थे कि कभी अपनी मर्जी से मिक्स हो गया तो चालू नहीं हो जाएगा, अगर वो पानी के निकलने की जगह नहीं मिली वो सिलेंडर फट जाएगा। तो जाली, पतली सी जाली के अंदर जो है, लेकिन इतनी पतली नहीं कि अपने आप वो खराब हो जाए, उस जाली के अंदर वो बल्ब होता था, ठीक है। और पानी के अंदर क्या भरा होता है? सोडा। तो उनको ना पंच करना पड़ता था ऊपर से, क्या करना पड़ता था? पंच करते थे। अभी पुराना तो अपने पास भी नहीं रखा, एक था वो भी कहीं दे दिया हम, उसमें ऊपर हथेली से पंच मारते थे। अभी मिलेगा कार्टेज टाइप जहाँ भी होगा उसमें पंच करने का मिलेगा जुगाड़ ऊपर। इतनी जो है, देखिए मैं सिखाता हूँ, सिलेंडर जो है इनके अंदर यहाँ पे कैप असेंबली होती है और इसके ऊपर ये नोब होती है, ये नोब होती है और इस नोब के यहाँ एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग से लगा हुआ एक लंबा सा सुआ होता है, पिन होती है, ठीक है। और उसमें बिल्कुल यही जो है लगी हुई ये जाली होती थी और इस जाली के अंदर
बल, यहां तक भरा हुआ हमारा पानी, पानी के अंदर सोडा मिला के डाल दिया, ये जो बल्ब रखा हुआ है जाली के अंदर, इसमें जो है इन्होंने तेजाब डाल दिया, और तेजाब का बंद बल्ब जो है इसके अंदर डाल के और ऊपर से उसको बंद कर दिया कर। तो जब चलाना होता था तो इसको उठा के ले जाते थे हिलाते हुए, हिलाने का क्या मतलब है, इसमें सोडा है भाई थोड़ा बहुत बैठ ना गया और काफ़ी दिन से रखा है तो थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और फिर वहाँ जाके इसको पिन को फटाक से ऐसे मारते थे, पूरा जोर लगा के हथेली ऐसे दबा के मारते, तो ये जो पिन थी ये स्प्रिंग दबेगा और पिन सीधी कहाँ टकराएगी, बल्ब पे, बल्ब तो हल्का सा होता है, उसको तो तेज चुटकी मार दो तब भी फूट जाएगा पतले शीशे का, अपने 100 वाट के बल्ब जो होते थे सेम शीशे में, तो ये तेजाब फूटते ही सीधा कहाँ जाता था, सोडे मिले हुए पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, और इसके अंदर मिक्स होने के बाद यहाँ जो है ये साइड से आउटलेट था और इसका पाइप सीधा यहाँ नीचे रहता है, ये यहाँ तक नीचे तक, ठीक है। अब जब इसमें CO2 गैस पैदा होगी, ये खाली एरिया था ना जो ऊपर, वो गैस बनके इसमें इकट्ठी हो जाएगी और बनती रहेगी इकट्ठी हो जाएगी, तो यहाँ फिर जो है जगह कम पड़ जाएगी और गैस का प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, तो फिर गैस क्या करेगी, इस पानी को दबाएगी, ऊपर तो हमने लॉक किया हुआ है पानी हल्का, तो क्या करेगा पानी को दबाने की कोशिश करेगी, पानी को दबाएगी तो हम यहाँ से इसको खोल देंगे, ये पाइप के यहाँ जो है हैंडल होता है ऐसे दबाने वाला, तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो रास्ता मिल गया ना पानी को भागने का, पीछे से तो प्रेशर लगा के बैठी है उसको पूरा लठ लेगी खड़ी है CO2 गैस, बाहर निकल जल्दी। अब जैसे ही वहाँ प्रेशर आएगा इसके अंदर से पानी सीधा बाहर निकलेगा और आग पे फुहारे की तरह पानी की तरह बरसेगा और अपना काम कर देगा। इसका सिस्टम समझ आया अभी, ठीक है, डाउट सारे बाद में, क्लास के बीच में आप वो डाउट करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसके बाद CO2 कार्टेज टाइप, कार्टेज टाइप सिंपल, कार्टेज मैंने अभी आपको दिखाई है, CO2 गैस से भरी हुई कार्टेज, तो इसमें ये वाला सिस्टम हो गया खत्म, तेजाब नहीं है, पानी के अंदर कुछ भी मिलाना खत्म, कुछ नहीं मिलाना, सिंपल पानी का भर दिया इसमें, 4-4.5 लीटर पानी भर दिया और यहां जो है इस जगह में कार्टेज लटका दी, ठीक है। सिर्फ केमिकल रिएक्शन का फर्क पड़ गया, पुराना जुगाड़बाजी रहती थी हमेशा करके गैस वैस पैदा करके हम लोगों को जो है ना पानी नहीं, फर्क कुछ नहीं था, सिर्फ गैस पैदा करने के लिए ही केमिकल मिलाते थे और ज़्यादा कोई काम नहीं था केमिकल का, आग तो पानी ही बुझाता था, लेकिन पानी को बाहर निकालने के लिए प्रेशर चाहिए और प्रेशर पैदा करती थी गैस, और गैस पैदा करने के लिए चाहिए थे ये दोनों। अब तो क्लियर है, कभी भी कोई सवाल आता है तो जवाब दे पाओगे, मुश्किल है, अभी हाँ बोल रहे हो बाद में नहीं दे पाओगे, मैं खुद ही पूछूंगा अगले हफ्ते, नहीं बताओगे, ठीक है। ये नॉर्मल पानी हो गया CO2 गैस कार्टेज टाइप में, नॉर्मल पानी है, तो जैसे ही हम इसको पंच करेंगे नोब को, ऊपर से हथेली मारेंगे दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो कार्टेज होती है ये 3-4 साइज में अलग अलग आती है, एक्सटिंग्विशर के अकॉर्डिंग अलग अलग आती है, तो इसके अंदर यहाँ आपको जो है ये दिखाई दे रहा है सुराख सा दिख रहा है, वो पिन सीधी इसके अंदर जाती है और अंदर एक सील बनी होती है, जैसे अब घी या कुछ ऐसी चीज़ लाते हैं ऊपर एल्यूमिनियम की परत जमी होती है, ऐसी ही एक एल्यूमिनियम की या किसी भी ऐसे धातु की जो है ना इसके ऊपर पीतल वगैरह की बनी होती है हल्के मेटल की परत, सील बोलते हैं उसको, तो वो पिन क्या करती है उस सील को तोड़ देती है, काट देती है, उसको फटाक से काट के तो बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे पंच किया ना, स्प्रिंग है ना, वो तो पंच होकर वापस चला जाएगा, ऐसे क्या फट फोड़ के वापस आ जाएगा बाहर, तो फिर गैस क्या है रिलीज हो जाएगी, गैस रिलीज होकर कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, खाली जगह में, अब खाली जगह में इकट्ठी हो जाएगी तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, फिर वही सेम चीज़ गैस क्या करेगी पानी को प्रेशर देगी, हम वहाँ से जैसे ही नोब को दबाएंगे अपने उसको पानी को रिलीज करेंगे प्रेशर को, ऐसे ही पानी ये जगह से निकल के सीधा बाहर जाना शुरू हो जाएगा और जब तक गैस का प्रेशर रहेगा पानी बाहर निकलता रहेगा, समझ गए इसका भी। अब जो लेटेस्ट आए हैं स्टोर्ड प्रेशर टाइप,
ये जो रखा है ये डीसीपी का है, लेकिन सेम होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। स्टोर्ड प्रेशर में क्या है, इनमें कोई कार्टेज वार्टेज नहीं लगी हुई है, इनमें यहाँ तक इतने तक पानी भरना है तो पानी, पाउडर भरना है कि पाउडर, यहाँ तक भर के बाकी जगह में सीधी डायरेक्ट गैस भर देते हैं, डायरेक्ट ही गैस भर देते हैं, सीधा ठोक देते हैं। इसको दबाएंगे तो निकलना चालू हो जाएगा, जब तक नहीं दबाएंगे वो गैस भी अपनी जगह रहेगी और पानी पाउडर जो भी है वो भी अपनी जगह रहेगा। समझ गए पानी का? इसका भी सेम बाकियों की तरह ही होता है, एक बार अगर इसको चला दिया तो बिल्कुल खाली हो जाता है। क्या होता है? खाली हो जाता है। और ये कार्टिज जो है लीक है कि नहीं है वो चेक करके लगाना होता है, लीक है या नहीं ये चेक करके ही लगाना होता है, क्योंकि अपने घर सिलेंडर लाते हैं तो हम चेक करते हैं ना उसको, पानी डाल के या कुछ भी थूकूक लगा के कि भाई, या झाग पानी डाल के कुछ भी चेक करते हैं, इनको भी चेक करके लगाना होता है। पहले से लीक हुई तो हम लगा के बैठ जाएं, चेक करना होता है। और हर तीसरे महीने में कम से कम, हर महीने चेक करना पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम तीन महीने में ये वाले जो एक्सटेंशन होते हैं, कौन से वाले, कार्टेज टाइप जो होते हैं, पानी के भी होते हैं कार्टेज टाइप, डीसीपी पाउडर के भी होते हैं कार्टेज टाइप, और फोम में भी होता है कार्टेज टाइप, सब में मिलेगा अलग अलग टाइप के, तो ठीक है। तो हमने क्या करना है अभी, इसके मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, इसका तो मेंटेनेंस गया, छोड़िए वो, हमने सिर्फ पता करना था कौन सा होता था, अभी वो मिलेंगे ही नहीं तो कहीं अपने को मेंटेनेंस करना भी नहीं है। हम इस पे आते हैं, ये वाले मिलेंगे अभी, ये हैं, चलते हैं अभी, पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे और काफ़ी जगह मिलेंगे ये। इनमें जो है डेली इनकी साफ़ सफाई तो होनी ही है, डेली नहीं कर पाए तो कम से कम वीकली जो है ऊपर से नीचे तक कपड़े से पूरा साफ किया जाता है, धूल मिट्टी इसकी पूरी साफ़ की जाती है। महीने में जो है इसको पूरा एक एक इसकी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं, पाइप को, डिस्चार्ज मतलब यही डिस्चार्ज करेगी ना, पाउडर या पानी इसी के अंदर से जाएगा, ट्यूब मतलब पाइप, इसको चेक करेंगे इसमें कहीं आगे कुछ लगा तो नहीं। कई बार क्या होता है इसके सामने मुंह पे वो जो एक मक्खी या वो नहीं होती है जो अपने दीवार पे मिट्टी जमा देती है, वो अगर इसके अंदर भी मिट्टी जमा के चली गई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो मटेरियल अंदर है वो बाहर नहीं निकलेगा और फट जाएगा सिस्टम फिर, तो इसलिए उसको चेक करते रहना पड़ेगा महीने में एक बार, और तीन या छः महीने में तो एक बार पूरा खोल के बाहर निकाल के उसको जो है पाउडर को चेक करना पड़ेगा। पाउडर में कई बार क्या, अपना इंडिया जो है इसमें हर प्रकार का मौसम होता है, नमी का मौसम बारिश का आता है, सर्दी का भी आता है, फिर गर्मी का भी आता है, इसमें कई तरह की ऋतु और मौसम आते हैं, तो क्या है कि काफ़ी चीज़ें खराब होने के डर होते हैं, तो पाउडर भी अगर अंदर ही खराब हो गए उसमें दाने बन गए तो सीमेंट में नहीं बन जाते कई बार दाने, दाने से अगर इसमें बन गए तो पतला सा तो मुंह होता है डिस्चार्ज ट्यूब का, वो दाना सीधा आगे उसी में फंस जाएंगे, वो सारे दाने बाहर निकलेगा नहीं मटेरियल, गैस हमने पहले से रिलीज कर रखी है अंदर, अब गैस को तो चाहिए निकलने की जगह, तो वो कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचा देगी। अगर फट गई असेंबली, असेंबली कैप अगर फट के निकल गई ना तो उसके सामने शरीर का जो हिस्सा होगा ना उसको बहुत नुकसान हो सकता है, चेहरा हो सकता है, हाथ पैर हो सकते हैं, या कोई दूसरा आदमी भी खड़ा हो सकता है। तो ये जो मेंटेनेंस है इनके बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक्सटिंग्विशर जो है एक इमरजेंसी में काम आने वाला औजार हथियार होता है, हमें पता है कि जब ये काम आएगा तब और कोई काम नहीं आएगा, जब कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी तो ये ही काम आएगा, तो जो इमरजेंसी में काम आने की चीज़ होती है उसको हमेशा रेडी रखना होता है। एमरजेंसी एम्बुलेंस इमरजेंसी में काम आती है, एम्बुलेंस को हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, उसकी बैटरी बैटरी पानी वानी उसमें हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ एक्सीडेंट होगा, कुछ किसको लेने भागना पड़ेगा पता नहीं चलता है ना। अब जो खुद इमरजेंसी की है उसी को धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ा तो कई इमरजेंसी व्हीकल हुआ फिर वो, तो ये हमारी चीज़ें अगर समय पे ही काम नहीं आई तो फिर इमरजेंसी में इनका क्या फ़ायदा, बेकार है। तो इनको जो है मेंटेन करने के लिए इनका जो मेंटेनेंस सिस्टम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, इनका चार्ट होता है कि इतने टाइम में इसको जो है उस पर डेट लिखी होती है, इतने टाइम के बाद फिर अगला नेक्स्ट इंस्पेक्शन इतने टाइम में होता है, ये बहुत ज़रूरी करना पड़ता है। ये जो है 40 ग्राम में भी होती है, 60 ग्राम की भी होती है, 120 ग्राम की भी होती है, 120 के बाद ये फिर 250-256 ग्राम की भी होती है, ये बड़ी साइज में फिर आते रहते हैं। इसका वेट कैसे निकालते हैं, तो इसकी कैप पे अभी यही रखी है, आप देख लेना बाद में, EW और GW दो वेट लिखे होते हैं, हमेशा याद रखना है। मैं कार्टिज की बात करता हूँ, कार्टिज में जो है EW और दूसरा क्या था, हाँ सॉरी
जी डब्ल्यू, ई डब्ल्यू होता है एम्प्टी वेट। क्या होता है? एम्प्टी वेट। अब एम्प्टी वेट किसी चीज का अगर 300 ग्राम है और ग्रोस वेट अभी फिलहाल उसका जो है 420 ग्राम है, तो उसमें गैस कितनी है? तो ये कितने ग्राम का हुआ? अब समझ गए, इसका ऐसे वेट चेक किया जाता है, ठीक है। और जब हम 6 महीने में खोल के पूरा सिलेंडर चेक करते हैं, मैंने क्या बता रहा था, उसका पाउडर जो हम बाहर निकाल के चेक करते हैं, तो उसमें अगर दाने हो गए हैं तो उसको एक साफ कपड़े में धूप में ले जाके छानना पड़ेगा पतली छन्नी के अंदर से, और वो दाने सारे फोड़ फाड़ के, और अगर बिल्कुल नहीं फूट रहे वो हैं तो खराब फेंक सकते हैं। बिल्कुल साफ प्योर एकदम महीन पाउडर जो अलग होगा उसको धूप में सुखा के फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। इसको जो है वेट मशीन पे चेक कर लेंगे, इसको भी वेट मशीन पे चेक करेंगे कि अभी ग्रोस वेट इसका है कितना। ग्रोस वेट इस पे जो लिखा हुआ है अगर उसे कम आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर ये 6 महीने में इतने ग्राम कम हो गया, अगले 6 महीने में इतने ग्राम और कम हो जाएगा, हम चलाएंगे थोड़ी सी बचेगी ठुस बेइज्जती हो जाएगी, और फायर वालों के तो औजार ही काम नहीं किए, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। सिलेंडर को हमेशा जो है बारिश से और डायरेक्ट धूप से बचा के रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नमी की जगह पे नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गर्मी की जगह पे भी नहीं रखना है, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे नमी नहीं है और डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वाटर टाइप का आपका कंप्लीट होता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सीखने का बताने का इसमें इतना ही है। ये वाले अभी नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से, शायद ही कहीं नहीं मिलेंगे इंडिया के अंदर, मुश्किल है। अभी CO2 का टी टाइप चलते हैं, ये चलेंगे, और ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, ये तो हर जगह मिल ही जाते हैं, ये दोनों टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आज की क्लास आपकी फायर की, दी एंड।